व्यावसायिक यात्रा द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने हेतु समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट हो किया प्रदर्शन। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा आज बृहस्पतिवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनपद में साइकिल चलाकर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई, जिसमें सपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर सपाइयों ने याद किया व मिशन 2022 समाजवादी साइकिल यात्रा के बहाने योगी सरकार को घेरने की तैयारी की, जिसमें जनपद के विभिन्न जगहों में व नगर के मुख्य मार्गों भरोहना चौराहे से निकली साइकिल यात्रा पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद ने झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। वह इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने विकास को बर्बाद किया। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश व निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नया नारा यूपी का यह जनादेश आ रहे हैं को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की तैयारी की। इस अवसर पर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और महोरिया स्थित बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज के मैदान में सभा कर योगी सरकार को घेरा। भरोहना चौराहे से निकली साइकिल यात्रा नगर के पीलकोठी, संगमोहाल, रतनगंज, तेलियागंज, गिरधर चौराहा, महोरिया के बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज के मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर आयोजित सभा को जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर है। इस दौरान आज जनपद में जगह जगह साइकिल यात्रा निकाली गई, जिससे कि जनपद के हर कोने का हाल जान सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास की राह पर लाए थे और अब उसको आगे ले जाएंगे। प्रदेश में भाजपा ने विकास को बर्बाद किया है। अखिलेश यादव का सक्षम व्यक्तित्व ही प्रदेश को आगे ले जाने में कारगर है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता में भाजपा की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। योगी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। यह सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दे पाई। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के सभी कामों का उद्घाटन किया गया। इस सरकार ने सपा कार्यकाल के दौरान कराए गए कामों नाम बदल दिया। इनको अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गरीबों की याद आने लगी है। पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद ने कहा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दवाओं की कालाबाजारी में नंबर वन है। यहां पर इलाज न मिलने से लोगों की मौत हुई। लोगों को न तो अस्पताल में बेड मिले और न ही दवा मिली। जिले में नागरिक बिना इलाज के मरे। योगी सरकार तो प्रदेश के बेरोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन है। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग साइकिल से भरोहना चौराहे पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के कारण भरोहना चौराहे पर भीषण जाम लगा था। भरोहना चौराहे पर दोनों तरफ वाहन पार्क कर सपा के नेता साइकिल रैली में गए, जिसके कारण जाम लग गया। आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़ा दिन है। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव अभय यादव ने किया। साइकिल यात्रा व सभा को पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया, पूर्व मंत्री मुन्नी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव व अशोक यादव तथा आशीष यादव, रोहित शुक्ला, अभय यादव, रामगोपाल बिंद, अनिल यादव, रत्नेश श्रीवास्तव, श्याम मोहन यादव, घनश्याम साहू, आशुतोष मिश्रा, राज मिश्रा, चंदन यादव, सुनील पांडेय, दीपक दुबे, विशाल यादव, दीपक मौर्य, अतीक खां, सलीम बादशाह, भूत नारायण यादव, कन्हैया यादव, विजय यादव, विनोद यादव, विजय गुप्त मौर्य, राकेश यादव, रविंद्र सोनकर, शिबू अंसारी, रामनरेश यादव, शिव कुमार यादव, बब्बूलाल यादव, रमेश ओझा, स्वामी शरण दुबे, अर्शद अली, हेमंत सिंह, विनय श्रीवास्तव, अयोब अली, इंद्रजीत मौर्य, मनोज भट्ट, संदीप सोनकर, राममिलन बिंद, महेंद्र यादव, शमीम अख्तर, दिलीप खां, लवकुश प्रजापति, हलीम, शेराज अहमद, अनुप त्रिपाठी, गौरव केशरी, पीयूष कसेरा, सिद्धांत यादव, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, राजकुमार यादव आदि सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जय जयकार उद्घोष करते रहे।